Midorhinum, common name the gonorrheal virus, and it is a nosode. For the constitutional effects of maltreated and suppressed gonorrhea, Midorhinum generally maltreated मतलब अच्छे से treat ना किया गया हो या suppressed gonorrhea के जो constitutional effects आते हैं उनके लिए. When the best selected remedy fails to relieve or permanently improve, जब best selected remedy relieve नहीं कर पाता या permanently improve नहीं कर पाता तो Midorhinum indicate होता है. For persons suffering from gout, rheumatism, neuralgia and diseases of a spinal cord and its membrane, even organic lesions ending in paralysis which can be traced to a psychotic origin. Midorhinum ऐसे persons की medicine है जो gout से, rheumatism से या neuralgia या फिर spinal cord की diseases या उनकी membranes की diseases से suffer कर रहे हैं. Even organic lesions हैं जिनकी वजह से paralysis होती है और इसका origin जो है वो हमेशा psychotic होना चाहिए. For women with chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis, fibroid cyst and other morbid growths of the uterus and ovaries. ऐसी महिलाओं के लिए जिनमें chronic ovaritis यानी ovaries का inflammation हो, salpingitis, inflammation of fallopian tube, pelvic cellulitis हो, fibroids हो, cyst हो या कोई भी जो है वो pathological growth है uterus की या ovaries की, especially if symptoms point to malignancy, especially जब सिम्टम्स मेलिग्नेंसी की तरफ जाते हों, विद और विदाउट साइकोटिक ऑरिजिन, वहाँ पर साइकोटिक ऑरिजिन हो या ना भी हो तो भी Midorhinum इंडिकेट होता है. फॉर सीरस कार्सिनोमा और कैंसर, सीरस का मतलब होता है हार्ड ट्यूमर होना, ठीक, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कार्सिनोमा या फिर कैंसर के लिए विद एक्यूट और क्रॉनिक इन डेवलपमेंट, जो एक्यूट हैं या क्रॉनिक हैं डेवलपमेंट में, व्हेन द सिम्टम्स करेस्पॉन्ड एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस कैन बी ट्रेस्ड, तो जब सिम्टम्स करेस्पॉन्ड करते हैं और साइकोसिस की हिस्ट्री देखने को मिलती है तो Midorhinum इंडिकेट होती है. बी एस द सेम रिलेशन इन डीप सीटेड साइकोटिक क्रॉनिक अफेक्शंस ऑफ स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट Midorhinum डज टू डीप सीटेड अफेक्शंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स. तो Midorhinum का जो डीप सीटेड अफेक्शन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, सेम तरीके से इन जो Midorhinum है उसका डीप सीटेड साइकोटिक क्रॉनिक अफेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए सेम रिलेशन होता है. चिल्ड्रन पेल, रेकाइटिक, ड्वार्फ्ड एंड स्टंटेड इन ग्रोथ, ऐसे बच्चे जो जिनका चेहरा पीला है, रेकाइटिक मतलब जिनमें रिकेट्स होने की टेंडेंसी है, विटामिन डी डिफिशेंसी है, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ड्वार्फ्ड जिनकी हाइट कम है, ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, स्टंटेड ग्रोथ है, ब्राइटाकार में भी ऐसा देखने को मिलता है, मेंटली डल एंड वीक, जो बच्चे मेंटली डल हैं, वीक हैं, ऐसे बच्चों के लिए Midorhinum इंडिकेट है. ग्रेट हीट एंड सोरनेस विद एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी, तो साइकोटिक ऑरिजिन यहाँ पर देखने को मिलता है. साइकोसिस में क्या है कि जो ग्लैंड्स हैं जितनी भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं बॉडी की, वहाँ पर छूने पे बहुत ज़्यादा हीट फील होता है, सोरनेस होती है, दुखता है. कंजम्प्टिव लैंग्वर, लैंग्वर का मतलब होता है एग्जर्सन, बहुत ज़्यादा कमजोरी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फटी, ग्रेट जनरल डिप्रेशन ऑफ वाइटैलिटी, कि ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं रह गई, बिल्कुल खर्च हो गया, कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा जान निकल गई है, वो वाली टेंडेंसी, ग्रेट जनरल डिप्रेशन ऑफ वाइटैलिटी. पेन्स, दर्द कैसा होता है इसमें, आर्थराइटिक, रिमेटिक इन ए सीक्वल ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया, तो गोनोरिया के सप्रेस होने की वजह से आर्थराइटिक और रिमेटिक पेन्स आ रहे हैं. ऐसे ही डेफने में देखने को मिलता है, क्लेमेटिस में देखने को मिलता है. कंस्ट्रिक्टिंग, सेम टू टाइटन द होल बॉडी, पेन कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टिंग पेन होता है, ऐसा लगता है पूरा बॉडी जो है वो टाइट हो गया हो, और ऐसा ही पेन कैक्टस में भी देखने को मिलता है. सोर ऑल ओवर, पूरी बॉडी में जो है वो दुख रहा होता है, एज ए ब्रूज्ड, जैसे मार पड़ी हो या ब्रूज हुआ हो, चोट लगी हो. आर्निका और यूपेटोरियम में भी ऐसा देखने को मिलता है. ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, सब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हो गया कि जो पूरी बॉडी में कपकपी है वो पेशेंट को फील होती है, वो बता सकता है, आपको साइन एंड सिम्टम के जैसा नहीं दिखेगा. इंटेंस नर्वसनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट, और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन देखने को मिलता है, थकावट देखने को मिलती है. स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स माने अनकॉन्शियस होने की टेंडेंसी है. वांट टू बी फैंड ऑल द टाइम, लगातार उस पर पंखा किया जाए, कार्बोवेज के जैसे. क्रेव्स फ्रेश एयर, लगातार फ्रेश एयर की क्रेविंग होती है,
ये रूम बंद कर दिया, नहीं निखोलो खोलो, फ्रेश एयर चाहिए। स्किन कोल्ड येट थ्रोज ऑफ द कवर्स, स्किन ठंडी है लेकिन फिर भी वो फ्रेश एयर की क्रेविंग की वजह से जो कुछ भी अब उसको उड़ा दिया गया है उस कवर को वो फेंक देगा। ऐसे ही कैम्फोरा में भी देखने को मिलता है, सिकल कॉर में भी देखने को मिलता है। बोल्ड एंड बाथड विद कोल्ड पर्सपिरेशन, तो पर्सपिरेशन इतना ज़्यादा होता है कि पूरा पसीने में नहा जाएगा, लेकिन पर्सपिरेशन कैसा होगा, ठंडा होगा, पिरेट्रम बल्बम के जैसा। माइंड वीकनेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी की वीकनेस होती है, कैन नॉट रिमेंबर नेम्स, नाम याद नहीं रख सकता, वर्ड या इनिशियल लेटर्स याद नहीं रख सकता। हैज टू आस्क नेम ऑफ द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, जो उसका बहुत सगा दोस्त होगा ना उसका नाम भी उसको याद नहीं रहेगा, इवन फॉरगेट्स हिज ओन नेम, कभी कभी अपना नाम भी भूल जाएगा। कैन नॉट स्पेल करेक्टली, सही से जो है वो स्पेलिंग नहीं बता पाएगा। वंडर्स हाउ अ वेल नोन नेम इज स्पेल्ड, और कई बार ऐसा होगा कि जैसे बहुत जो वेल नोन नाम है उसकी स्पेलिंग भी भूल जाएगा। कॉन्स्टेंटली लूजेज द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, लगातार जो बातचीत चल रही है उसमें वो खो जाएगा, उसका जो थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन है, जो कंटिन्यूअस टॉक है, उसमें वो मिस कर जाएगा बीच में। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टेटिंग हर सिम्टम्स, अपने सिम्टम्स बताने में बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन हैज़ टू बी रिपीटेड एज सी लूजेज हर सेल्फ, मतलब सवाल बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट का कनेक्शन जो कम्युनिकेशन थ्रेड है वो ब्रेक हो जाता है। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, बिना रोए बात नहीं कर सकते। एंटीसिपेट्स डेथ, ऑलवेज एंटीसिपेटिंग, फील्स मैटर्स मोस्ट सेंसिटिवली बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्टली। एंटीसिपेट्स डेथ मतलब डेथ होने वाली है ऐसा उसको फील होता है, हर चीज़ वो एंटीसिपेट कर लेता है, पूर्वानुमान कर लेता है, चीज़ों को पहले ही फील हो ले कर लेता है वो होने वाली होती है उससे पहले, और जनरली ऐसा सही ही होता है। इरिटेटेड एट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है। क्रॉस ड्यूरिंग द डे, दिन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एंड एग्जिलरेटेड एट नाइट, रात को खुश रहता है, वेरी हैप्पी एट नाइट। वेरी इंपेशेंट, पीवीस, एंग्जियस, नर्वस, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, स्टार्ट्स एट लीस्ट साउंड, बहुत ज़्यादा इंपेशेंट है, धैर्यहीन है ये मरीज। पीवीस रोंदू टेंडेंसी है, एंग्जियस परेशान है, नर्वस सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, और छोटी सी आवाज पे भी, हल्का सा भी कहीं टिंग टुन कुछ भी हो ना, लीस्ट साउंड पे भी ये भड़क जाता है। टाइम पासेस टू स्लोली, और मेडोराइनम के पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। ऐसे ही अल्यूमिना में, अर्जेंटम नाइट्रिकम में और कैनबिस इंडिका में भी फील होता है। इज इन अ ग्रेट हरी व्हेन डूइंग एनीथिंग, इज इन सच अ हरी सी गेट्स फटीग्ड, और बड़ी जल्दी में रहता है, जब भी कुछ कार्य करेगा तो बड़ी जल्दी में करेगा, इतनी जल्दी में कि बस थक जाएगा तुरंत, या फिर ऐसे कह लो कि जल्दी जल्दी इसलिए करता है क्योंकि जल्दी थक जाएगा। मैनी सिम्टम्स आर एग्रेवेटेड व्हेन थिंकिंग ऑफ देम, बहुत सारे सिम्टम्स सिर्फ उनके बारे में सोचने से बढ़ जाते हैं, मतलब अपनी दिक्कतों के बारे में सोचेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पेन्स रिटर्न एज सून एज ही थिंक्स अबाउट देम, ऑक्सैलिक एसिड में भी ऐसा देखने को मिलता है कि दर्द आ जाता है, वापस आ जाता है, जब दर्द के बारे में सोचना शुरू करेगा तो उसको दिक्कत बढ़ जाएगी। हेड इंटेंस बर्निंग पेन इन ब्रेन, ब्रेन में इंटेंस बर्निंग पेन फील होता है। एग्रेवेशन सेरेबेलम में, और ये डाउन द स्पाइन एक्सटेंड होता है। ही हेड फील्स हैवी एंड इज ड्रॉन बैकवर्ड्स, हेड बहुत ज़्यादा भारी भारी लगता है सर, और ऐसा लगता है पीछे की तरफ खींचा जा रहा हो। सेंसेशन ऑफ टाइटनेस एंड कंट्रैक्शन, हेड में जो है वो टाइटनेस और कंट्रैक्शन का सेंसेशन रहता है। एक्सटेंड्स डाउन होल लेंथ ऑफ स्पाइन, पूरा स्पाइनल कॉर्ड में ये टाइटनेस एंड कंट्रैक्शन का जो सेंसेशन है वो पूरा पूरी स्पाइन में फील होता है। हेडेक एंड डायरिया फ्रॉम जैरिंग ऑफ कार्स, कार में जा रहा है वो हिलेगी डुलेगी उसमें मोशन होगा उसकी वजह से हेडेक होता है, डायरिया होता है। थ्रोट सेंसेशंस एज इफ शी हैड टेकन अ सीवियर कोल्ड, ऐसा सेंसेशन होता है जैसे सर्दी लग गई है। विद डिस्ट्रेसिंग एकिंग इन बोन्स, हड्डियों में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होता है। सोर थ्रोट एंड स्वेलिंग, गले में बहुत ज़्यादा दुखता है, सूजन हो जाती है। डिग्लूटेशन ऑफ आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स इम्पॉसिबल, लिक्विड निकलना सॉलिड निकलना दोनों ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सॉलिड्स इम्पॉसिबल होता है तो मरकरी इंडिकेट है। थ्रोट कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ थिक ग्रे एंड ब्लडी म्यूकस फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स से लगातार म्यूकस आ रहा है तो उसकी वजह से गला जो है लगातार भरा रहता है थिक ग्रे कलर का या ब्लडी म्यूकस से, ऐसा हाइड्रेस्टिस में भी इंडिकेट होता है।
एपेटाइट, रेवेनस हंगर इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद इसको फिर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। ऐसे ही सीना में लाइको और सुराइना में भी देखने को मिलता है, लगातार भूख लगी रहती है। कॉन्स्टेंट थर्स्ट इवन ड्रीम्स इज ड्रिंकिंग, लगातार प्यास लगी रहती है, सपने भी आते हैं कि पानी पी रही है। इनसेटिएट क्रेविंग फॉर लिकर विच बिफोर सी हेटेड, इनसेटिएट कहने का मतलब जिसमें उसको संतुष्टता नहीं मिल रही है, वो लिकर के लिए बहुत ज़्यादा इनसेटिएट क्रेविंग होती है, जिस चीज़ से वो पहले हेट करती थी। ऐसे ही एसआरएम में भी देखने को मिलता है। फॉर साल्ट, अगर सॉल्ट की इनसेटिएट क्रेविंग है, सॉल्ट की इनसेटिएट क्रेविंग इसमें भी मेडोराइनम में भी है, पर उसके लिए और भी मेडिसिन है, जैसे कैल्केलिया है, नेट्रम है। स्वीट्स की इनसेटिएट क्रेविंग में सल्फर भी इंडिकेट होता है। फॉर एले आइस एसिड ऑरेंजेस एंड ग्रीन फ्रूट्स, सो इनसेटिएट क्रेविंग होती है एले मतलब बियर के लिए, आइस के लिए, एसिड्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए और जो ग्रीन फ्रूट्स हैं उनके लिए। बॉबल्स, स्टूल कैसा होता है? टेनेसियस, ऐंठन के साथ आएगा, चिपचिपा होगा। क्ले लाइक तो मिट्टी के जैसा, स्लगिश जो धीरे धीरे पास होगा। कैन नॉट स्ट्रेन फ्रॉम अ सेंसेशन ऑफ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम के प्रोलैप्स का सेंसेशन आता है कि रेक्टम बाहर आ जाएगा, इस वजह से स्ट्रेन नहीं कर सकता। ऐसा एलुमिना में भी फील होता है। कंस्ट्रिक्शन इन इनर्सी ऑफ बॉबल्स विद बॉल लाइक स्टूल्स लेकेसिस, तो इंटेस्टाइन में ऐसा लगता है कि कंस्ट्रिक्शन हो गया है, ठीक है, और स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है। बॉल लाइक स्टूल्स होते हैं, गेंद के जैसे स्टूल्स पास होते हैं, ऐसे ही लेकेसिस में भी है। कैन ओनली पास स्टूल्स बाय लीनिंग वेरी फार बैक, बहुत पीछे की तरफ झुक के स्टूल पास हो पाता है। वेरी पेनफुल, स्टूल पास करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एज इफ देयर वाज अ लंप ऑन पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ स्फिंक्टर, ऐसा फील होता है कि पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ स्फिंक्टर पे लंप है, वहाँ पे सूजन है। सो पेनफुल एज टू कॉज टीयर्स, और स्टूल पास करना इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि उसको टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। शार्प नीडल लाइक पेन्स इन द रेक्टम, रेक्टम में शार्प नीडल लाइक पेन्स होते हैं। वूजिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनस, एनस से मॉइस्चर पास होता है। फिटिड ऑर्डर ऑफ फिश ब्राइन, फिश ब्राइन के जैसा बहुत ज़्यादा गंदा बदबू आता रहता है, ऐसा कॉस्टिकम में, हेपर में भी देखने को मिलता है। यूरिनरी ऑर्गन्स, सीवियर पेन बैक एक इन रिनल रीजन, ये किडनी के रीजन पे बहुत ज़्यादा बैक एक होता है। एम्बुलेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यूरिन पास करने से आराम हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है तो उसको आराम हो जाता है, सलाइको में भी है। रिनल कोलिक, किडनी में पेन होता है जो स्टोन्स की वजह से। इंटेंस पेन इन यूरेटर्स विद सेंसेशन ऑफ पैसेज ऑफ कैलकुलस, यूरेटर्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन जो है वो फील होता है यहाँ पर, और ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कैलकुलस पास हो रहा हो, उसमें से जो स्टोन है वो पास हो रहा हो, ऐसा बर्बेरिस में, लाइको में और ऑसिमम में भी फील होता है। क्रेविंग फॉर आइस, ठंडी चीन आइस की क्रेविंग होती है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, रात को पेशाब पास हो जाता है। पासेस इनॉर्मसली क्वांटिटी ऑफ अमोनियाकल हाई कलर्ड यूरिन इन बेड एवरी नाइट, रोज रात को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनियाकल मतलब बदबूदार और हाईली कलर्ड जो येलोइश यूरिन है उसको पास करता है हर एक रात को। एग्रवेशन बाई ओवर वर्क और ओवर प्ले, ज़्यादा खेल लेने से या ज़्यादा काम करने की वजह से जो है वो एग्रवेशन हो जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स विद हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, और एग्रवेशन है हीट और कोल्ड के एक्सट्रीम्स से। जब बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल होती है और साइकोसिस की हिस्ट्री है तो मेडोराइनम दिया जाता है। पेनफुल टेनेसनेस ऑफ ब्लैडर एंड बॉबल्स वेन यूरिनेटिंग, तो यूरिन पास करते समय ब्लैडर में बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, बॉबल्स में ऐंठन होती है, इंटेस्टाइन में ऐंठन होती है। मेंसेस कैसे हैं? सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो मेंसेस प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा मेंसेस होते हैं, वेरी डार्क क्लॉटेड। स्टेन्स डिफिकल्ट टू वॉश आउट, तो मेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डार्क होते हैं, क्लॉटेड होते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल जो लिक्विड है उसके जो स्टेन्स हैं उसको आप डिफिकल्ट टू वॉश आउट, धोने में दिक्कत होती है। मैकर में भी ऐसा ही था। मेट्रोरेजिया यानी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है यूट्रस से एट क्लाइमेट्रिक मिनोपॉज के समय पे। प्रोफ्यूज फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है। फ्लो कैसा होता है? डार्क क्लॉटेड ऑफेंसिव होता है, बदबूदार होता है। इन गसेस ऑन मूविंग, चलने पे बहुत तेजी से फ्लो बढ़ जाता है। विद मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मेलिग्नेंट डिजीजेस के साथ ये दिक्कत होती है।
इंटेंस मेंस्ट्रुअल कोलिक, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल कोलिक एंड एब्डोमिनल पेन होता है, विदड्रॉइंग अप ऑफ नीज एंड टेरिबल बियरिंग डाउन लिवर लाइक पेन्स। तो उसकी वजह से ये नीज तक जाता है वो मेंस्ट्रुअल कोलिक, और लिवर लाइक पेन्स होते हैं। मस्ट प्रेस फीट अगेंस्ट सपोर्ट, तो अपने जो फीट हैं उनको सपोर्ट से जो है वो प्रेस करने की कोशिश करता है, वैसे ही जैसे लेबर में फील होता है। इंटेंस प्रूराइटिस ऑफ लेबिया एंड वेजाइना, लेबिया और वेजाइना में बहुत ज़्यादा जो है इचिंग होती है, एग्रवेशन बाय थिंकिंग व्हाट इज थिंकिंग ऑफ इट, उसके बारे में सोचने से इचिंग और बढ़ जाती है। ब्रेस्ट्स एंड निपल्स सोर एंड सेंसिटिव टू टच, ब्रेस्ट और निपल्स जो है वो दुखते हैं, छूने से सेंसिटिव होते हैं। ब्रेस्ट कोल्ड एज आइस टू टच, ब्रेस्ट जो है वो ठंडे होते हैं बर्फ के जैसे, स्पेशली द निपल्स, निपल्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी वार्म, पूरी बॉडी गर्म है, ब्रेस्ट जो है वो बर्फ के जैसे ठंडे हैं, स्पेशली निपल्स, मेंसेस के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर एजमा है, चोकिंग कॉज्ड बाई वीकनेस और स्पाज्म ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस की वीकनेस की वजह से, स्पाज्म की वजह से चोकिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। लैरिंग्स स्टॉप्ड सो दैट नो एयर कुड इंटर, तो ऐसा फील आता है कि लैरिंग्स जो है वो रुक गया है तो हवा अंदर नहीं जा सकती। ओनली एम्लूरिएटेड बाई लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग टंग, तो इस चीज़ में आराम केवल एक ही तरीके से मिलता है कि फेस नीचे की तरफ करके लेट जाए, फेस की तरफ को लेट जाए और जीभ बाहर निकाल लें। सोरनेस ऑफ लैरिंग्स एज इफ अल्सरेटेड, लैरिंग्स में बहुत ज़्यादा दुखता है, सोरनेस हो जाती है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर छाले पड़ गए। डिस्निया एंड सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, कैन इनहेल विद ईज बट नो पावर टू एक्सहेल, सेमुकस निग्रा में भी ऐसा देखने को मिलता है। डिस्निया माने डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, कंस्ट्रिक्शन का सेंस होता है, आसानी से सांस अंदर ले सो सकता है लेकिन बाहर नहीं छोड़ सकता, बाहर छोड़ने का ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं बचा, ऐसे ही सेमुकस निग्रा में भी देखने को मिलता है। कफ ड्राई इंसेसेंट सीवियर, कफ कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, इंसेसेंट मतलब जो रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअस है, और सीवियर है, बहुत ज़्यादा है। पेनफुल एज इफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स वाज टॉर्न फ्रॉम लैरिंग्स, और इतना ज़्यादा पेनफुल होता है जैसा लगता है म्यूकस मेम्ब्रेन लैरिंग्स में से फट गई है, निकल गई है। डीप हॉलो कफ लाइक इन अ बैरल, कफ कैसा होता है, डीप होता है, हॉलो होता है, जैसे धोखनी चलती है, मतलब बैरल में कफ कर रहा हो वैसा। एग्रवेशन रात में स्वीट से और लेटने से, एम्लूरिएशन पेट के बल लेटने से। स्प्यूटा अल्बुमिनस फ्रॉथी स्मॉल ग्रीन बिटर बॉल्स विसिड डिफिकल्ट टू रेज, स्प्यूटा यानी जो थूक निकल रहा है वो कैसा है, अल्बुमिनस है, वाइटिश है, फ्रॉथी है, उसमें झाग होता है, छोटे छोटे ग्रीन बिटर बॉल्स पास होते हैं, विसिड बने चिपचिपा है जिसको निगलना बड़ा कठिन है या बाहर निकालना कठिन है। इंसिपियंट कंजम्पशन सीवियर पेन इन मिडिल लोब्स, इंसिपियंट कंजम्पशन का मतलब है कि ये जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा या कम खाने की टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि पेन होने लग जा रहा है निगलने में, दूसरा मिडिल लोब्स में जो है वो सीवियर पेन फील होता है। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, सो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है स्कैपुले के बीच में, होल लेंथ ऑफ स्पाइन सोर टू टच, पूरा जो स्पाइन का लेंथ है वो छूने में जो है वो सोर होता है, सिंड्रम सेल्फ में भी ऐसा देखने को मिलता है। इंटेंस बर्निंग हीट बिगिनिंग इन नेप ऑफ नेक एंड एक्सटेंडिंग डाउन स्पाइन विद कंट्रैक्टिव स्टिफनेस, एग्रवेशन बाय स्ट्रेचिंग, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग हीट फील होता है नेप ऑफ नेक में जो नीचे स्पाइन की तरफ एक्सटेंड करता है, और कंट्रैक्टिव स्टिफनेस होती है, जकड़न हो जाती है, इसमें स्ट्रेचिंग करने से आराम नहीं मिलता है, स्ट्रेचिंग करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रिमेटिज्म ऑफ टॉप ऑफ शोल्डर एंड आर्म, पेन्स एक्सटेंड टू फिंगर्स, एग्रवेशन बाई मोशन, सो रिमेटिज्म कहाँ होता है, टॉप ऑफ शोल्डर और आर्म में, पेन जो है वो फिंगर्स तक जाता है, मोशन से एग्रवेशन है। राइट साइड में है तो सेंग्विन एरिया, लेफ्ट में है तो फेरम, और दोनों में है तो मिडोराइनम। लंबर वर्टिब्री पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, लंबर वर्टिब्री पेनफुल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। सैक्रम में पेन होता है, कॉकिक्स में पेन है, हिप्स के बैक में पेन है, रनिंग अराउंड एंड डाउन द लिम्स, तो ये पेन जो है हिप्स में चारों तरफ होगा, हिप्स में होगा और नीचे पैरों तक जाएगा। पेन इन लेग्स फ्रॉम हिप्स टू नीज, पैरों में पेन होता है हिप से लगा के नीज तक। ओनली व्हेन वॉकिंग, ये पेन सिर्फ चलते समय होगा। हैवीनेस ऑफ लेग्स फील लाइक लेड वॉकिंग, वेरी डिफिकल्ट, लेग्स आर सो हैवी, लेग्स गिव अवे।
लेग्स की हैवीनेस हो जाती है, ऐसा फील होता है जैसे लेग जो है वो लेड के बने हों, प्लम्बम के बने हों, इतना ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और लेग बहुत ज़्यादा हैवी फील होते हैं। गिव अवे कहने का मतलब उन पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, पैरालिसिस टाइप फील होता है। लोअर लिम्स एक ऑल नाइट, जो लोअर लिम्स हैं वो लगातार पूरी रात दुखते रहते हैं, प्रिवेंटिंग स्लीप, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इंटेंसली रेस्टलेस एंड फिजिटी लेग्स एंड फीट, जिनका में भी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और रेस्टलेसनेस की वजह से ये जो पैर हैं फीट हैं वो लगातार कांपते रहते हैं, जिनका में भी ऐसा देखने को मिलता है। टेरिबल सफरिंग इन लेग्स एंड आर्म ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, जो बिजली कड़क के तूफान आता है उस समय पर बहुत ज़्यादा लेग्स और आर्म्स में सफरिंग होती है। एकिंग इन लेग्स विद इनएबिलिटी टू कीप देम स्टिल इन बेड, तो पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, एकिंग हो रही है लेकिन उनको एक स्टिल नहीं रख सकते बेड में क्योंकि फिजिटी है लेग्स की। एग्रवेशन वेन गिविंग अप कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ वेन रिलैक्सिंग इन ट्राइंग टू स्लीप, एग्रवेशन कब होता है जब अपने ऊपर जो नियंत्रण है उसको जब खोने लगेगा तब, रिलैक्स करते समय या जब सोने की कोशिश करेगा तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोल्डनेस ऑफ लेग्स एंड फीट, लेग्स और फीट की कोल्डनेस होती है, ऑफ हैंड्स एंड फोरमैन यानी हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ड्राइंग कंट्रैक्टिंग सेंसेशन इन हैमस्ट्रिंग्स, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, एंकल्स हैं, उनमें खिंचाव होता है, कंट्रैक्टिंग सेंसेशन होता है। क्रैम्प्स इन काफ्स एंड सोल्स, जो काफ मसल्स हैं उनमें या सोल्स में जो है वो क्रैम्प्स फील होते रहते हैं, ऐसे ही ऊपर में भी देखने को मिलता है। एंकल्स इजिली टर्न वेल वॉकिंग, तो चलते समय एंकल्स आसानी से मुड़ जाते हैं यानी मोच वगैरह आ जाती है, ऐसा कार्बो एनिमल्स और लेड में भी देखने को मिलता है, लेडम में भी देखने को मिलता है। बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। वांट्स देम अनकवर्ड एंड फैंड, तो ऐसी इच्छा होती है कि उनको अनकवर कर दिया जाए और उन पर पंखा किया जाए। लैकेसिस और सल्फर में भी यही टेंडेंसी है। ऑलमोस्ट एंटायर लॉस ऑफ नर्वस फोर्स इन लेग्स एंड आर्म्स, तो लेग्स और आर्म्स में जो नर्वस फोर्स है उसका पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। एग्जॉस्टेड बाई स्लाइटेस्ट एफर्ट, हल्का सा भी एफर्ट करने से एग्जॉस्ट हो जाता है, थकान आ जाती बहुत ज़्यादा। पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एवरी ज्वाइंट इन बॉडी, बॉडी के हर एक ज्वाइंट का जो है वो पेनफुल स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर ज्वाइंट्स, फिंगर ज्वाइंट्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है। लार्ज पफी नकल्स, नकल्स ये जो ज्वाइंट्स हैं फिंगर्स के, इनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, पफी अपेयरेंस हो जाती है। स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एंकल्स, एंकल्स में स्वेलिंग आ जाती है, पेनफुल स्टिफनेस हो जाती है, जकड़ जाते हैं पूरी तरीके से। ग्रेट टेंडरनेस ऑफ हील्स एंड बॉल्स ऑफ फीट, सो हील में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो जाती है, फीट में जो बॉल्स कहने का मतलब ये उठे हुए पार्ट है एंकल्स पे या हील पे, इनमें बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ ऑल ज्वाइंट्स आर पफी लाइक विंड गाल्स, विंड गाल्स का मतलब होता है जो स्वेलिंग हो जाती है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, उसके जैसा सभी ज्वाइंट्स में पफी अपियरेंस आ जाती है, सूज जाते हैं सारे ज्वाइंट्स। रिलेशंस की बात करें तो मेडोराइनम का कंपैरिजन किया जाता है इपिकॉक से ड्राई कफ में, कैम्फर सिकेलकोर टबैकम और वेरेट्रम से कंपैरिजन किया जाता है कोलैप्स में, पिक्रिक एसिड जेलसीमियम से कंपैरिजन करते हैं इनएबिलिटी टू वॉक में, एंड एलो और सल्फर से कंपैरिजन किया जाता है मॉर्निंग डायरिया में। द बर्निंग ऑफ सल्फर एंड रेस्टलेस फिजिडिटी लेग्स एंड फीट ऑफ जिंक आर बोथ फाउंड एट द सेम टाइम इन मेडोराइनम, तो दो अलग अलग कैरेक्टर हैं कि सल्फर की बर्निंग और जिंक का जो फिजिटी है यानी हाथ पैर ये लगातार रेस्टलेस होते हैं और कांपते रहते हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ मेडोराइनम में पाई जाती हैं। एग्रवेशन की बात करें तो एग्रवेशन सोचने से, थिंकिंग अबाउट इट, प्रॉब्लम के बारे में सोचने से एग्रवेशन होता है, ऐसे ही हेलोनियास में भी देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। एग्रवेशन हीट से है, कवरिंग से है, स्ट्रेचिंग से, थंडर स्टॉर्म से, हल्के से मोशन से, स्वीट से, एंड फ्रॉम डे लाइट टू सनसेट, पूरा दिन एग्रवेशन रहता है, डे लाइट से लगा के सनसेट तक, रात को आराम हो जाता है। सिफिलाइनम में इसका उल्टा है, सिफिलाइनम में दिन में जो है वो आराम रहेगा, रात को दिक्कत रहेगी, मेडोराइनम में दिन को दिक्कत रहेगी, रात को आराम रहेगा। एम्ब्लूरिएशन एट द सी शोर, समंदर किनारे इसको आराम हो जाता है, जो कि नेट्रम का रिवर्स है, नेट्रम में सीसोर पे एग्रवेशन होगा।
लाइंग ऑन स्टमक, पेट के बल लेटने से आराम होता है, डैम्प वेदर में जो है वो आराम हो जाता है, और सेम चीज़ क्वास्टिकम और नक्स वोमिका में भी देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी।